है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग यहां पे देख सकते हैं क्लास नाइन्थ का जो एनुअल एग्जामिनेशन आज से स्टार्ट हुआ है, जिसका विषय है फर्स्ट सिटिंग में था साइंस, उसका मैं क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। आप लोग यहां से मिला लें और ये क्वेश्चन 100 out of 100 सही हैं। तो आप लोग को पता ही होगा कि आज मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव्स का आंसर देना था और बाकी सब्जेक्टिव्स का आंसर देना था। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एसआई मात्रक में कितनी आधारी राशि होती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, निम्न में से सदिश राशि कौन है। होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। इसमें रूपांतरित गति भी आता है, घूर्णित गति भी आता है और आवर्त गति भी आता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यदि f परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में a त्वरण उत्पन्न करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, a समानुपाती 1/m। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो संवेग का एसआई मात्रक होता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, kg मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिमाण और दिशा दोनों होता है इसमें। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई होती है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है प्रणोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉर्टेज यानी HZ। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तरंग का तरंग दैर्घ्य। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किसी द्रव के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भौतिक तुला। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान द्वारा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो वस्तु का घनत्व बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान गुना आयतन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जूल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 भागों में। अगला सवाल है 20,000 HZ की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंगों को कहते हैं, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राश्रव्य तरंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बल और संवेग का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है आप लोग निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनत्व। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कोणीय वेग का मात्रक होगा तो रेडियन प्रति सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग हो जाएगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथाई। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे किसी m द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है का संवेग होगा, तो ये होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर यानी कि इसका m v होता है इसका सही आंसर। अगला सवाल है आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पानी के लिए। अगला सवाल है यहाँ पे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। अगला सवाल है एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है यदि उत्प्लावक बल, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसके भार से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए उत्प्लावक बल का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संघनन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती कहलाती, तो ये कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विसरण। अगला सवाल है निम्न में से कौन तत्व है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जस्ता जिंक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोयला का जलना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो खड़िया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। अगला सवाल है निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ड्यूटेरियम।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे निम्न में से कौन अक्रिय गैस है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी और आर्गन। अगला सवाल है मानक ताप व दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होता है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 22.4 लीटर। अगला सवाल है बकमिस्टर फुलेरिन का अनुसूत्र क्या था, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी C6O। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो तांबा का लैटिन नाम क्या होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्यूप्रम। अगला सवाल है निम्न में से कौन जल का सूत्र है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी H2O। अगला सवाल है निम्नलिखित गैसों में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी SO2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर CNO। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन का अस्थायीकरण करता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम बैक्टीरिया। अगला सवाल है अम्ल वर्षा का पीएच मान होना चाहिए, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 7 से कम। अगला सवाल है ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित किस भाग में पाया जाता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में। अगला सवाल है कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाले समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी I131। अगला सवाल है क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 287। अगला सवाल है यदि किसी परमाणु का K और L कक्षा पूर्ण रूप से भरा हो तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10। अगला सवाल है फास्फोरस अणु में फास्फोरस की परमाणविकता होगी, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। अगला सवाल है CO का मोलर द्रव्यमान होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 28 AMU। अगला सवाल है अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगला सवाल है अल्फा का निम्नलिखित में से किसके समान होता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन के समान। अगला सवाल है यहाँ पे परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीकी कक्षा में कौन सी कक्षा होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी K सेल। अगला सवाल है पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं क्या कहलाती है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिट्टी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो शुष्क बर्फ है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ठोस CO2। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी साधारण नमक। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर एक केंद्रक झिल्ली। अगला सवाल है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। अगला सवाल है वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन नगन बीजी पादप है, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंजियोस्पर्म। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला सवाल है निम्न में से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी न्यूमोनिया। अगला सवाल है ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चिरकालिक यानी क्रोनिक। अगला सवाल है काला ज्वर होता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया से। अगला सवाल है कागज उद्योग से निकलने वाला जहरीला रसायन है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मरकरी। अगला सवाल है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होती, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 78%। अगला सवाल है एड्स का कारक होता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी HIV। अगला सवाल है पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों का उपयोग को क्या कहते हैं, तो कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए छिड़काव। अगला सवाल है एक दलहन फसल को लगाने में खेतों में किस रसायन की पूर्ति होती है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। अगला सवाल है कृमि का उपयोग करके कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृमि कंपोस्ट। अगला सवाल है पशुधनों को दिए जाने वाले हरा चारा का प्रकार है, तो ये ऑप्शन ए नेपिया सूडान घास और रोट्स घास सभी है, यानी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है निम्न में से कौन कुक्कुटों से होने वाले एक भयंकर संक्रामक रोग है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी छोटी माता। अगला सवाल है हमारे देश में एक गाय प्रतिवर्ष औसतन कितना दूध देती है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करीब 3000 kg। अगला सवाल है ILS82 तथा HS260 क्या है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी संकर नस्ल की मुर्गियां जो कि बहुत अधिक अंडा देती हैं। अगला सवाल है मछलियों में प्रेरित प्रजनन के लिए किस अंतःस्रावी हार्मोनों की सुई लगाई जाती है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी।
अगला सवाल, मधुमक्खी का छत्ता बना होता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मधुमोम से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिपिड एवं प्रोटीन दोनों से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पक्षी की चोंच सहायक होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका घोंसले के निर्माण में भी, भोजन पकड़ने में भी, अपनी सुरक्षा में भी, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मछलियों में जलीय अनुकूलन प्रदर्शित करने वाली रचनाएँ हैं, तो ये गिल्स, धारा रेखित शरीर और पंख एवं शल्क, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है प्याज रूपांतरण होता है, प्याज रूपांतरण है, तो ये हो जाएगा आपका प्याज का जो रूपांतरण किया जाता है वो किया जाता है जड़ से। अगला सवाल है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन साधारण अस्थायी ऊतक है, तो यहाँ दृढ़ोतक, स्थूल कुंतक, मृदोतक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है स्टार्च एक प्रकार है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट का। अगला सवाल है स्पाइरोगाइरा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नील हरित शैवाल। अगला सवाल है केचुआ खाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, गीली मिट्टी। अगला सवाल यहीं पे आपका ये 80 का 80 सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपका कितना सही हुआ वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। और इसी तरह से आप लोग के लिए सारा वीडियो आता रहेगा, जैसे जैसे एग्ज़ाम होते रहेंगे वैसे वैसे आप लोग को ये वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।